अमित शाह का लड़का, ये सब कहाँ है, ये भी तो है। बेटा सांसद है, नाती विधायक है, एक नाती ब्लॉक प्रमुख है। परिवारवाद परिवारवाद, इनका परिवार है? योगी जी के आगे कोई है? मोदी जी के आगे पीछे कोई है? कोई नहीं है। फिर कहाँ से परिवार लाएंगे वो? अब कल्याण सिंह का है, कल्याण सिंह का जो बेटा है सांसद है, दो बार सांसद रहा एटा से, बेटा विधायक रहा, नाती ब्लॉक प्रमुख रहा। अब राजनाथ सिंह को देख लीजिए, एक बेटे को लखनऊ से दिया गया है, एक बेटे को गाजियाबाद से दिया गया है, हाँ नोएडा से। अब ये परिवारवाद नहीं है, ये क्या है परिवार के डायरेक्टर, जबकि उसके लायक नहीं थे, उसके बाद भी उन्हें डायरेक्टर बना रखा है, बोल पाते नहीं है इंग्लिश में। अभी आपने देखा होगा, एक क्वेट आया था उनका, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था किस तरह से उन्होंने इंग्लिश में बोला था उन्होंने, मतलब ये अभी जो बीसीसीआई का जो धोनी को जो कैप्टन बनाया था उस टाइम पे कोच बनाने के लिए, जब उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था जब, तो उस टाइम पे उन्होंने किस तरह से उनकी जो एक लायक थे, मतलब उसके नहीं है, फिर भी उसके बाद भी जो है ना, मतलब बीसीसीआई के डायरेक्टर बना दिया गया उन्हें। जैसे कि भैया बता रहे हैं कि परिवारवाद नहीं है, सारा तो परिवारवाद है। अब मोदी जी का तो कोई बच्चे नहीं है तो वो कहाँ से बनेंगे? योगी जी के कोई बच्चे नहीं है, जिनके हैं सबके सारे जो है ना सांसद हैं, कोई विधायक है, कोई मंत्री है, सारे लोग हैं। अब आपने एक सवाल किया था मुझसे कि जो है ना असीजा जी दो बार कैसे विधायक बन चुके हैं जबकि जो है ना उन्होंने विकास नहीं करा। अगर आप कह रहे हैं काम नहीं, नहीं, नहीं काम नहीं करा, तो मैं आपको ये वाला बता रहा हूँ, असीजा जी की पहले ही अपने आप में एक छवि थी, वो जो है ना निर्दलीय यहाँ से चेयरमैन रह चुके हैं, उन्होंने विकास किया था जब बीजेपी में नहीं थे, तो उनकी एक अपने आप में एक व्यक्तिगत छवि थी, काम करा था उन्होंने, वो बीजेपी की उसमें झंडे के नीचे नहीं जीते थे, वो अपनी एक छवि से जीते थे, इस वजह से उन्हें जो है ना विधायक बनाया पब्लिक ने। लेकिन अब विधायक जो है ना बीजेपी के झंडे के नीचे जब वो आके विधायक बने तो बीजेपी ने कोई काम नहीं करा, इसकी वजह से उनकी भी छवि खराब हो गई। आज उनका भी बड़ा जो है ना जीतने के मतलब वो पड़े हुए हैं, अभी कोई ऐसा नहीं है कि वो एक तरफ जीत रहे हैं, तो उनका भी छवि खराब हो गई इस वजह से। जब वो अपने जो है ना इंडिविजुअल खड़े होते थे तो वो जो है ना उन्होंने विकास किया था बहुत ज़्यादा, लेकिन अब बीजेपी ने कोई विकास ही नहीं करा, उनके पास कोई जो है ना कोई इनकी मुद्दे नहीं थे, कुछ भी नहीं था विकास के लिए, तो बेचारे वो भी इसके नीचे आ गए, उसके नहीं हो गए, सिर्फ यही सब चलता रहा। मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम यही मुद्दे बीजेपी पास, बीजेपी के पास दो ही मुद्दे हैं, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, बस यही कराते रहते हैं, कोई विकास का नाम का चीज ही नहीं है। कोई मुद्दा लाए थे, बेरोजगारी का मुद्दा लाए थे, आज महंगाई चरम सीमा पे, गरीब आदमी सिलेंडर एक महीने में एक सिलेंडर खाली हो जाता है, वो सिलेंडर खरीद पा रहा है क्या? 950,000 रुपये का सिलेंडर है, पेट्रोल नहीं डला पा रहा, 100 रुपये पेट्रोल पहुंच गई। अच्छा, जब से ये चुनाव की घोषणा हुई है तब से पेट्रोल और डीजल के दाम स्थगित कर दिए गए हैं, नहीं तो डेली उछाल ले रहे थे। क्यों भैया, सब लोग बताओ, डेली उछाल ले रहे थे। मेरे पिताजी डीएम थे जब बेरोजगार नाम था है? क्या नाम था पिताजी का? विनोद महेश्वरी। कहाँ के डीएम थे? हैं, इनके पिताजी तहसीलदार थे, इनके आईएएस थे, इनके पीसीएस थे। इससे पहले इनके जो पिताजी थे 5 लाख रुपए महीने की नौकरी कर रहे थे, और ये जितने भी खड़े हुए हैं सब 10-10 लाख रुपए कमा रहे थे। जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से गरीब हो गए। यार यार, ये वाला भाई 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 सुनो, ये भाई भाई, अरे सुन लो भाई, ये वाला हम भी व्हाट्सएप पे पढ़ के आए थे एक दिन, मुझे नहीं मालूम, इतना मुझको कोई भेजा था हमको भी, इतना मुझको मालूम है कि तब से 2014 से गरीब हो गए हैं, तब से सब बेरोजगारी फैल गई है। 44,000 से ज्यादा मकान फिरोजाबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने हैं, मैंने नहीं बनवाए, किसी ना किसी लेबर ने तो बनवाए होंगे, उसको रोजगार मिला। सबको 1-1 लाख रुपए महीने की नौकरी चाहिए, सबको 1-1 लाख रुपए महीने की नौकरी चाहिए। वो तो पूरा कर दे सरकार। अरे ये जो जितने भी 5 एक्सप्रेसवे बने हैं उनमें क्या लेबर है नहीं? उनपे भी कोई ना कोई लेबर काम कर रही है 20-25 हजार रुपए की। इससे पहले ठेले वाले नहीं चलते थे, यहाँ पे हवाई जहाज उतरता था, सीधा ऊपर से आया हवाई जहाज उतरता था, अब इस पर केवल गाड़ियाँ चल रही हैं। उससे पहले कोई बेरोजगार नहीं था भाई साहब, मेरे बाबा बताते थे ये बात कि हवाई जहाज। एक मिनट, बात आती है रोजगार की, बात अरे सुन तो लो, अब सुन तो लो, आपने बोलिया हमें भी बोलने दो। हाँ धन्यवाद धन्यवाद। बात आती है रोजगार की, 2014 से पहले की अगर बात करते हैं और 2014 की बात की बात करते हैं, जो जो तेल था वो 90, 70, 80, 85 डबल से ट्रिपल हो गया। सुनिएगा सुनिएगा सुनिएगा, नहीं सुन लीजिए, आपने बोल लिया, मैंने नहीं बोला, मैं बोल रहा हूँ ना, अब मुझे बोलन दो, अब मुझे बोलन दो ना, मुझे बोलन तो दो। अब बात आती है, अब बात आती है महंगाई की, आप कह रहे हैं, या बात आती है रोजगार की, ये हकीकत है, दिल पर हाथ रख के बताना सत्य है। यूपी छोड़ दो, पूरे हिंदुस्तान की बात करता हूँ मैं, पूरे हिंदुस्तान में क्या रोजगार मिल रहा है? कहीं पूरे हिंदुस्तान कहीं रोजगार मिल रहा है? अरे यार क्या बात, किसका डीएम थे, किसका डीएम थे, किसका डीएम थे? नहीं गलत, नहीं कहाँ से पैदा हो गया, किससे पैदा कर दिया? अच्छा एक बात बताओ, मैं आपको। चलिए, आप लल्लन टॉप यूपी देख रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया।